हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का सेवन्थ चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, ये आपका सेवन्थ चैप्टर है क्लास सिक्स का, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड भूजोस क्लास अबाउट द प्लेसिस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो क्लास के बच्चे हैं, उनमें जनरल डिस्कशन हो रही थी। जो पहेली एंड भूजो की क्लास है, तो उनमें जनरल डिस्कशन हो रही थी कि जो समर वेकेशंस हैं, उनमें कौन कहाँ विजिट करने गया। समवन हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। कुछ जो कोई तो अपने नेटिव विलेज में गया थ्रू ट्रेन, देन अब बस, उसके बाद बस पकड़ी उसने, और उसके बाद फाइनली अ बलक कार्ट, और उसके बाद जो बैलगाड़ी है उसके थ्रू वो अपने विलेज तक पहुँचे। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। एक जो स्टूडेंट है वो एरोप्लेन के थ्रू गया। देन अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। और एक स्टूडेंट ने अपनी जो हॉलीडेज हैं वो कहाँ पर बिताई, अपने अंकल की बोट पर, फिशिंग ट्रिप के फॉर्म में उसने अपनी जो हॉलीडेज हैं वो बिताई। Then the teacher then asked them to read newspaper article that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. उसके बाद जो उनके टीचर थी, उन्होंने बच्चों को एक न्यूज़पेपर से आर्टिकल रीड करने को बोला, जिसमें कि जो छोटे छोटे व्हील्स का जो व्हीकल है वो मूव करता है सोयल पर, मार्स की सोयल पर। ठीक है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट करने गया है मार्स पर। Then these vehicles were taken by spacecraft. और ये जो vehicles हैं वो spacecraft के through Mars पर गए हैं। Then meanwhile Paheli had been reading stories about the ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier time. उसके बाद जो Paheli है, Paheli कुछ stories read कर रही है ancient India के बारे में, जो पहले का India था उस time के बारे में वो कुछ stories read कर रही है, और वो जानना चाह रही है कि पहले के लोग, ठीक है, ancient India में जो पहले के लोग हैं वो कैसे one place to another place visit करते थे। तो ये हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि जो पहेली है वो क्या रीड कर रही है। पहेली वो कहते हैं कि लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत टाइम पहले कि लोगों के पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। मीन्स अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो पैदल चल के जाते थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। क्या करते थे कि वो अपने पैरों पर चल के जाते थे, फुट पर चल के जाते थे, और अपना जो सामान है वो अपनी बैक पर लाद कर, अपने जो पीठ है उस पर लाद कर लेकर जाते थे। लेटर ऑन दे बिगिन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स को यूज़ करने लगे, जैसे घोड़ा है, ऊँट है, हाथी है, इस तरह के जो एनिमल्स है वो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करने लगे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर उनको मूव करना है तो। Then for transport through water routes, boats were used from ancient times. उसके बाद transportation के लिए जो water route है, ठीक है, या फिर जो boats हैं वो ancient times से ही use हो रही हैं। To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. पहले के time पर जो boat थी वो कैसी होती थी कि उनके जो boat होती थी उसमें जो लोग ऑफ वुड होता था, लकड़ी के बड़े बड़े लोग ले लेते थे और उनको बीच से खाली कर लेते थे, होलो कैविटी होती थी। देन उसके बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। और उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो पीसेस ऑफ वुड है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया और उसको एक बोट की शेप देनी स्टार्ट कर दी। जैसे पहले की बोट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे थी। जैसे ये इमेज में देखो, पहले लोग इस तरह की बोट पर जाते थे, जो पीसेस ऑफ वुड है उनको आपस में कनेक्ट कर लेते थे और इसी को वो बोट के फॉर्म में यूज़ करते थे। एक और इमेज दिखाती हूँ आपको, ये देखो इस तरह, इसमें भी क्या है, जो वुड के लोग्स हैं उनको इन्होंने कनेक्ट किया, एक दूसरे के साथ अटैच किया है, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। देन दीज शेप्स इमिटेटेड
दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। और ये जो शेप बोट की शेप होती थी ना उस टाइम पे, वो जो लिविंग जो एनिमल्स वाटर में रहते थे उन्हीं की शेप को इमिटेट किया गया था, कि जैसे उनके स्ट्रीमलाइन शेप हैं उसी तरह से उन्होंने बोट उसके बाद बनानी स्टार्ट कर दी थी। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश। जैसे हमने चैप्टर 5 और 6 में फिश की स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में डिस्कस किया है, तो इसी से रिलेटेड वो उन्होंने बोट की शेप बनानी स्टार्ट कर दी थी। देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है कि जब व्हील का, जब पहिए का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई, तो उसके बाद से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। क्या है कि जो डिज़ाइन है व्हील का उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए उसको इम्प्रूव करने में। पहले लोग जो पत्थर के पहिए यूज़ करते थे, जो पत्थर था वो भारी था, फिर उसके बाद लकड़ी को यूज़ करने लगे, लकड़ी फिर कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती थी, फिर उसके बाद वो मेटल को यूज़ करने लगे, मेटल के साथ उन्होंने ट्यूब टायर यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद इन्वेंशन होती चली गई और उसमें मॉडिफिकेशन होती चली गई। देन एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। उस टाइम पर जो एनिमल्स थे वो कार्ट्स को पुल करने में, जो बैलगाड़ी होती थी उसको पुल करने में यूज़ किया जाता था एनिमल्स को, जो पहिए के जो बैलगाड़ी होती थी उसको पुल करने के लिए, खींचने के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। अनटिल द बिगनिंग ऑफ 19th century, जब 19th century की बिगनिंग हुई, उसकी स्टार्टिंग हुई, पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। उस टाइम पर भी लोग एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट होते थे। बोट एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो बोट्स और शिप्स हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती थी। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। देन रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन। और रेल रोड्स हैं वो स्टीम इंजन के लिए बनाए गए, ड्राइवन जो वो किसके किसको खींचने के लिए, किसको ले जाने के लिए, जो रेल रोड्स बनाए गए थे स्टीम इंजन से, वो जो कैरेज है और वेगन्स है उसको खींचने के लिए रेल रोड्स बनाए गए। देन लेटर केम, क्या है कि लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, जैसे आपकी कार है, मोटर कार है, या ट्रक्स हैं और बसेस हैं। देन मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर। उसके बाद जो मोटराइज्ड बोट्स हैं, जो मोटर से चलती हैं बोट्स आपकी, या फिर शिप्स हैं, उसको ऐसे वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाने लगा। द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। जो 19th century का स्टार्टिंग था उस टाइम, उसके बाद आपका एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, एंड दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। उसके बाद एरोप्लेन के थ्रू जो पैसेंजर्स हैं और जो सामान है उसको कैरी करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। देन इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल एंड सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th century। उसके बाद 20th century जैसे ही आई उसमें आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई, फिर मोनोरेल आ गई, आपकी सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आ गए, स्पेसक्राफ्ट आ गए। ये कुछ एक कंट्रीब्यूशंस है जो 20th century में आए हैं। देन फिगर 7.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो 7.1 है उसमें डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया है। प्लेस देम इन करेक्ट ऑर्डर, कि सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा आया, और उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ये आपने अरेंज करना है। आर दे एनी ऑफ द अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे। क्या है, क्या यहाँ पर जो 7.1 फिगर में दिखाया गया है कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो अब यूज़ नहीं किया जाता है? तो एक बार अब फिगर 7.1 देख लेते हैं कि क्या है इसमें। 7.1 में जैसे साइकिल है आपका, एरोप्लेन है, स्टीम इंजन है, तो सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता था आपका, सबसे पहले ये आ गया, ठीक है, इसको एक नंबर दे दिया। फिर उसके बाद क्या, जब इसका आविष्कार हुआ, ये आ गया आपका सेकंड, आपका साइकिल आ गया। थर्ड है आपका जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, उसके बाद स्टीम इंजन आ गया आपका, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन है, फिर बस है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्या इनमें से ऐसा कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आज के टाइम पर यूज़ नहीं किया जाता है? बिल्कुल है, इनमें एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो पहले यूज़ किया जाता था लेकिन अब यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो कौन सा है आपका, जिसको हम पालकी बोलते हैं, ठीक है, वो उसकी मैं इमेज दिखा देती हूँ आपकी कैसे होती थी। ये देखो, जैसे आपकी अब मॉडर्न बोट है,
अब ये मॉडर्न बोट अब यूज़ की जाने लगी है, और ये सेकंड टाइप ऑफ मॉडर्न बोट है जो कि आज के टाइम पर यूज़ की जाती है। उसके बाद है आपकी जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी किसके लिए, जैसे ये आपका टायर है और ये बैल से इसको खींचा जाता है, जिसको कि हम सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी है आपकी मोनो रेल। मोनो रेल में क्या होता है, ये इसमें कम बोगियाँ होती है, जैसे मुंबई वगैरह में चलती है ये, और ये एज अ पैसेंजर ले जाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, मोनो रेल। देन उसके बाद है आपकी ये है पालकी। पालकी में पहले के लोग टाइम पर जो लोग हैं वो एक जना उसके अंदर बैठा होता था और चार जन उसको खींच कर ले जाते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर इसको एज अ ट्रेडिशन यूज़ किया जाता है, जैसे मैरिज वगैरह पे दुल्हन को लाने के लिए, ठीक है। आज के टाइम पर इसको इस ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसको यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ ऐसे फैशन यूज़ किया जाता है मैरिज वगैरह पे। अब चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है आपका हाउ वाइड इज़ द डेस्क। जो आपका डेस्क है वो कितना चौड़ा है, मीन्स यहाँ से आपकी मेजरमेंट स्टार्ट हो गई है। देन हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। पहले के टाइम पर जो लोग हैं उनको कैसे पता चलता था कि उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल, और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो हाउ विल यू नो, आपको कैसे पता चलता है कि वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे, कि आप अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए आप कैसे जाओगे, आपको कैसे पता चलता है कि आपको बस से जाना है या रिक्शा से जाना है या फिर कैसे पैदल जाना है, ठीक है। तो स्कूल तक पहुंचने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, कि आप बस से जाओगे, रिक्शा से जाओगे या पैदल जाओगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है, आपके स्कूल और घर के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप स्कूल कैसे पहुंचोगे। अगर स्कूल थोड़ी सी दूर है तो आप पैदल चले जाओगे, ठीक है। अगर आपका स्कूल उससे थोड़ा सा दूर है, 2-1 किलोमीटर दूर है, तो आप रिक्शा से चले जाओगे। अगर स्कूल और भी ज़्यादा दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो आप किससे जाओगे, बस के थ्रू जाओगे, ठीक है। देन वन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब हम कुछ परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। तो क्या आप जो मार्केट है मार्केट में चल के जाते हैं, ये भी किस पर डिपेंड करता है कि आपके घर से मार्केट के डिस्टेंस के बीच, दोनों के बीच के डिस्टेंस के पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट तक कैसे जाओगे, बस से जाओगे या रिक्शा से जाओगे या पैदल जाओगे, ठीक है। देन हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चन के आंसर कैसे मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे कि ये डिपेंड करता है कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है, आपके घर से मार्केट का डिस्टेंस क्या है। तो जब तक आपको डिस्टेंस नहीं पता होगा, तब तक आप ये नहीं पता लगा सकते कि मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए मुझे कौन सा तरीका अपनाना है वहाँ पहुँचने के लिए, कि मुझे पैदल जाना है, मुझे रिक्शा से जाना है, मुझे बाइक से जाना है, या मुझे गाड़ी से जाना है, या मुझे बस से जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, अपने स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस और अपने घर से मार्केट का डिस्टेंस, ठीक है। देन इज इट ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़, ये भी ज़रूरी है कि जो प्लेस है वो कितना दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच द प्लेस। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम उस प्लेस तक कैसे पहुँचेंगे, चल के जाएंगे या बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या शिप से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे या फिर स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो हम जहाँ हमें पहुँचना है, जिस प्लेस पर हमें पहुँचना है, उस प्लेस का हमारे घर से डिस्टेंस क्या है। अगर आपका आपने पहुँचना है 2 किलोमीटर तक जाना है या 10 कदम दूर जाना है, तो आप चल के जा सकते हैं। 2-1 किलोमीटर तक जाना है तो आप बस से जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं या फिर आप बाइक से जा सकते हैं। अगर 50 किलोमीटर जाना है तो आप ट्रेन से जाओगे, शिप से, मतलब एक जो अगर आप का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है तो आप शिप से जाओगे या एरोप्लेन से जाओगे। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है या फिर इंडिया की एक छोर से दूसरे छोर जाना है, मीन्स आपको कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है या दिल्ली से आपने मुंबई जाना है या दिल्ली से आपने कोलकाता जाना है, तो आप एरोप्लेन के थ्रू जाओगे या ट्रेन से जाओगे। अगर आपने जैसे अर्थ से किसी दूसरे ग्रह पर जाना है, दूसरे प्लैनेट पर जाना है, तो आप स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जाओगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका घर से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। देन
समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. क्या है, कई बार क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ के बारे में पता होना चाहिए, उसकी लंबाई क्या है और उसकी चौड़ाई क्या है. देन इन पहेली एंड भुजोज क्लासरूम, पहेली और भुजो के क्लासरूम में क्या है, देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई टू स्टूडेंट्स. उनके क्लास में क्या है कि बड़े बड़े डेस्क हैं और एक डेस्क पर दो स्टूडेंट बैठते हैं. ठीक है, पहेली एंड भुजो शेयर वन डेस्क. अब पहेली और भुजो एक ही डेस्क यूज़ करते हैं. देन बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट अदर इज़ यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क. अब क्या है, अब एक पहेली और भुजों में से अब एक ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जो दूसरा है वो डेस्क का ज़्यादा पार्ट यूज़ कर रहा है और मुझे कम मिल रहा है. तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब आगे देखते हैं कि वो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं. देन ऑन द टीचर सजेशन, अब टीचर से उन्होंने सजेशन लिया कि जो टीचर हमको कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे ना कि उनकी प्रॉब्लम है कि दूसरा जो पार्टनर है पहेली है या भुजो है वो ज़्यादा डेस्क यूज़ कर रही है, एक को कम मिल रहा है एक को ज़्यादा मिल रहा है. दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क. अब उन्होंने डेस्क की लेंथ को मेजर करना स्टार्ट कर दिया. मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट. अब डेस्क के बीच बिल्कुल बीच में सेंटर में उन्होंने एक मार्क लगाया. एंड ड्रा अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क. और उसके बाद जो डेस्क है उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे कि दोनों स्टूडेंट्स पहेली और भुजो आराम से बैठ जाएं. देन बोथ पहेली एंड भुजो आर वेरी फोंड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा. अब जो पहेली और भुजो है अब वो गिल्ली डंडा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ. पहली ब्रोट आ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम. अब जो पहली है सॉरी भुजो है वो अपने साथ गिल्ली और डंडा का एक सेट ले आता है. देन हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली. अब फिगर 7.2 में इन्होंने दिखाया है कि उन्होंने कैसे गिल्ली और डंडा को यूज़ करके जो डेस्क की लेंथ है उसको मेजर किया है. द डेस्क सीम्स टू बी having a length equal to two danda length and two length of the gilli. अब जो desk की length कितनी है, दो danda और दो gilli के बराबर desk की length है. Then drawing a line in the middle of the desk. अब desk के बीच में इन्होंने एक line draw कर दी. Leaving each of them happy with the half of the desk equal to a danda and gilli in the length. क्या है, अब उनको दोनों को half of desk मिल गया जो कि एक gilli एक danda की length भुजों के पास थी और एक gilli और एक danda की length जो किसके पास थी, पहले के पास थी. But उसके बाद होता क्या है कि आफ्टर अ फ्यू डेज, उस दिनों के बाद अब जो भुजो है उसका दिमाग में खिचड़ी पकती है. वो क्या खिचड़ी पकती है कि मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट. जो लाइन मार्क की थी उसको उसने मिटा दिया. अब लड़के होते ही शरारते हैं, उनको कुछ ना कुछ पंगा करना ही होता है. तो उसने क्या किया, अब जो बीच वाली लाइन थी सेंटर में जब उन्होंने टीचर ने डेस्क को डिवाइड किया था दो हाफ पार्ट में, तो भुजो ने क्या किया वो जो लाइन उन्होंने लगाई थी वो उसको मिटा दिया. भुजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन. अब जो भुजो है उसका पुराने वाला गिल्ली डंडा गुम हो गया तो वो नया गिल्ली डंडा लेकर आया है. देन हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू बी मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा. अब जो गिल्ली और डंडा को यूज़ करने के बाद जो डेस्क की लेंथ है उसको कैसे मेजर किया गया है वो 7.3 में दिखाया है. अब 7.2 ये फिगर है. अब ये 7.2 फिगर क्या बता रहे हैं कि जो लेंथ है जो ये पूरा का पूरा डेस्क की लेंथ है. ठीक है, अब एक जो डंडा है उसकी लेंथ इतनी होगी और एक गिल्ली की लेंथ इतनी होगी. अब जो दूसरी साइड में क्या हुआ, ये पूरी लेंथ आपकी डंडे की होगी और ये लेंथ आपके गिल्ली की होगी. तो जो डेस्क है वो टू हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है, एक डंडा और गिल्ली की लेंथ इस साइड होगी और एक डंडा और गिल्ली की लेंथ इस साइड होगी. तो दोनों हैप्पी हैप्पी अपना क्लासरूम में आ रहे थे और जा रहे थे. लेकिन भुजो के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है कि वो जो बीच वाली ये लाइन थी उसको इसने मिटा दिया और वो नया सेट लेकर आता है गिल्ली और डंडे का. ठीक है, अब वो जब मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो जो डंडा है एक जो गिल्ली है जैसे एक डंडा की लेंथ इतनी होगी, उसके बाद सेकंड जो गिल्ली है उसकी एक लेंथ इतनी होगी, इस साइड भी एक डंडे की लेंथ इतनी होगी. लेकिन जो गिल्ली है गिल्ली जो ऊपर वाली जो पहले वाली गिल्ली थी ना उसके ऊपर चढ़ रही है तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि
देन हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट टू डंडा लेंथ एंड वन गिली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। अब जब उन्होंने न्यू सेट जो गिली डंडे का लेकर आया था बूजो, उसके साथ जब उन्होंने डेस्क की लेंथ को मेजर किया तो उसकी लेंथ कितनी आती है, दो डंडे के इक्वल आती है और एक गिल्ली के इक्वल आती है। ठीक है, दो डंडे की लेंथ और एक गिल्ली की लेंथ तो पूरी आ जाती है, लेकिन जो एक जो गिल्ली है वो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, सेकंड गिल्ली उसमें नहीं आ पाती है। एंड दिस इज़ लेस देन वन गिल्ली लेंथ। अब वो एक गिल्ली की लेंथ से कम थी तो अब वो क्या करेंगे, आप देखते हैं वो क्या करेंगे। देन व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड भुजो डू। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहेली और भुजो को क्या करना चाहिए, आपके माइंड में क्या कुछ थॉट आते हैं तो इस टाइम पे शेयर करो कमेंट बॉक्स में। टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, डेस्क की पूरी लेंथ को मेजर करने के लिए आप पहेली और भुजो को आप क्या सजेशन दोगे। कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट, क्या उनको क्रिकेट की विकेट यूज़ करनी चाहिए और बॉल यूज़ करनी चाहिए डेस्क की लेंथ को मेजर करने के लिए। और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम, या फिर ये जो क्रिकेट की विकेट है और बॉल है ये भी सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जैसे जो न्यू सेट ऑफ गिल्ली और डंडा ने क्रिएट की है। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब उन्होंने क्या किया कि दे कुड डू इट टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, एक धागा ले लेते हैं और धागे की एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं एंड मार्क टू पॉइंट्स ऑन इट। अब उस धागे पर दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, और इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लेंथ, धागे की लेंथ बोलते हैं। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। आप वो क्या कर सकते हैं कि वो जो डेस्क की विड्थ थी उसको स्ट्रिंग लेंथ के साथ मेजर कर सकते हैं जैसे कि फिगर 7.4 में दिखाया, अभी देखते हैं। देन हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग की लेंथ के से कम जो डिस्टेंस है उसको हम स्ट्रिंग की हेल्प से कैसे मेजर करेंगे। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट 1/2, 1/4 एंड 1/8। अब क्या है, अगर जो स्ट्रिंग की लेंथ से कम लेंथ बच जाती है तो हम स्ट्रिंग को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और उसको हम कैसे, जब एक बार फोल्ड करेंगे तो वो हाफ हो जाएगी, दो बार फोल्ड करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगी, और जब चार बार फोल्ड करेंगे तो आपकी 1/8 हो जाती है। ठीक है, नाउ परहैप्स पहेली एंड भुजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। अब पहेली और भुजो डेस्क की लेंथ को बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट क्या लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं और अपने जो डेस्क है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। क्या आप ये कहेंगे कि उनको उनके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें जो स्केल है उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल कहेंगे, वो भी एक मेजरमेंट का सोर्स है कि उससे भी वो डेस्क की लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। अब भुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस। अब जो भुजो है उसके दिमाग में, देन भुजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस Before such standard scale were made and he has been trying to follow different methods of measuring distance। अब जो भुजो है वो क्या सोचते हैं कि पहले के टाइम पर जैसे स्टैंडर्ड स्केल्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता था, टू डिफरेंट जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको यूज़ करके जो डिस्टेंसेस हैं उनको कैसे मेजर किया जाता था। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस आ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेज। कई बार ऐसा होता है कि हमें लेंथ और डिस्टेंसेस को मेज़र करना होता है कि हम कैसे उसको मेज़र करें, जैसे कि आपका जो टेलर है, टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। जो टेलर है उसको मेज़र करना होता है कि जो आप क्लॉथ उसके पास लेकर गए हैं, कपड़ा लेकर गए हैं, आप तो नहीं लेकर जाओगे ऑफकोर्स, छोटे बच्चे हो आप लोग, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आप कभी अपनी मम्मी के साथ गए होंगे, अपनी बुआ के साथ, अपनी मामी जो भी है उनके साथ गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो टेलर है वो कपड़ा लेने से पहले उसको मेज़र करता है कि जो कपड़ा आप लेकर आए हैं उस कपड़े में से आपका जो ड्रेस है वो बन सकती है या नहीं बन सकती है। ठीक है, तो एक और उसके बाद एक कारपेंटर है, कारपेंटर क्या करता है, नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड
ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर, क्या है जो कारपेंटर है वो क्या करता है, वो भी उसको भी हाइट और विड्थ एक कपबोर्ड की मेजर करनी होती है कि उसका डोर बनाने के लिए उसको कितनी वुड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी उसको कितनी वुड चाहिए होती है। देन द फार्मर, अब यहाँ पे फार्मर आ गया, द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ और द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। अब यहाँ पे फार्मर है, फार्मर को भी ये जानना जरूरी है कि उसका जो लैंड है उस लैंड की लेंथ और विड्थ कितनी है, ताकि उसको पता चल सके कि उसको कितना सीड उस खेत में लगाना है, उस लैंड पर लगाना है, और उस लैंड के लिए उसको कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाएँ। देन सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं, आपकी हाइट क्या है, तो इसके लिए भी आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। देन यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फिट। तो आपको किस आपको आप अपनी हाइट जो है वो कैसे नापेंगे, आप अपने फुट से लेकर, आप अपने पैर से लेकर आप जो टॉप ऑफ हेड है वहाँ तक की लेंथ को आप मेजर करोगे स्ट्रेट लाइन के साथ, और उसके बाद अपनी हाइट आप बता सकते हो। देन उसके बाद हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, आप जिस रूम में हैं वो रूम कितना लंबा है, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, ये जो डेस्क जिस डेस्क पर आप क्लासरूम में बैठते हैं उस डेस्क की चौड़ाई कितनी है, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है। देन हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, अब अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सभी क्वेश्चंस में एक जो थिंग है, एक जो चीज़ है वो कॉमन है, वो क्या है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, ठीक है। ये इन सभी क्वेश्चंस में, जैसे हाउ लॉन्ग इज़ योर रूम, आपका रूम कितना लंबा है, यहाँ पर भी एक जगह से दूसरी जगह के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पूछा गया है। हाउ वाइड इज़ योर डेस्क, डेस्क कितना चौड़ा है, मीन्स दो पॉइंट के बीच की चौड़ाई के बारे में पूछा है। दिल्ली से लखनऊ के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूछा गया है। उसके बाद अर्थ से मून के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूछा गया। तो यहाँ पर सब क्वेश्चंस में क्या कॉमन चीज़ है कि दो प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो पूछा गया है, ठीक है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ द टेबल और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी, दो जो दो प्लेसेस हैं वो एक एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक जो टेबल है उसके दो जो पॉइंट्स हैं वो कितना दूर होंगे, बहुत कम उनके बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे से, जो दो पॉइंट्स हैं, दो प्लेसेस हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं। जैसे आपका जम्मू से कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। देन लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी वट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, अब हम कुछ मेजरमेंट्स करेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें मेजरमेंट करने के लिए एक्चुअली में हमें करना क्या होता है। वेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ, जब हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं या फिर लेंथ मेजर करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना होता है उस लेंथ को मेजर करने के लिए या उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो ये सारा हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम मेजरमेंट्स, ये स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी के साथ। तो एक्टिविटी में क्या है, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन, आपने ग्रुप में ही एक्टिविटी करनी है और वन बाय वन करनी है। एंड यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, अब आपका यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने फुट को यूज़ करना है एज अ लेंथ को मेजर करने के लिए। मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की लेंथ और विड्थ को, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को मेजर करने के लिए आपने अपने फुट को यूज़ करना है। देन इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट, अब जब आप मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप क्या देखते हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसे बच जाते हैं, कुछ पार्ट कुछ स्पेस इतना बच जाता है जो कि आपके जो फुट की लेंथ है उससे छोटा रह जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, Use a string to measure the length of the part of your foot as you did before. अब क्या करेंगे, आप एक string को लेना है आपने, use a string to measure the length of the part of your foot. तो आपने अपने फुट की लेंथ को नापने के लिए आप अपने स्ट्रिंग यूज़ करना है जैसे कि आपने पहले किया था, और उसको आपने टेबल 7.1 में फिल करना है। अब टेबल 7.1 में फिल कर
करेंगे, तो ये आपने अपनी क्लासरूम के साथ एक्टिविटी करनी है, ठीक है। कितनी आपके क्लासरूम की लेंथ है, कितनी आपकी विड्थ है, क्योंकि अलग अलग क्लासरूम है, अलग अलग लेंथ होगी, अलग अलग विड्थ होगी, ठीक है। अब एक्टिविटी टू में करते हैं। एक्टिविटी टू में क्या बोला इन्होंने, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन। अब पहले एक्टिविटी में क्या बोला था, आपने फुट को यूज़ करना है, अब यहाँ पर आपने हैंड स्पैन को यूज़ करना है। हैंड स्पैन क्या है कि अंगूठे, जब हम अपने हाथ को फैलाते हैं तो आपके अंगूठे से लेकर आपके जो जो लास्ट वाली फिंगर है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हैंड स्पैन है वो उसको हम एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो डेस्क है उसकी लेंथ या विड्थ को मेजर करने के लिए हम हैंड स्पैन को एज अ यूनिट लेते हैं और उसकी लेंथ या विड्थ उसको हम नापते हैं। देन हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। अब यहाँ पर भी कुछ स्पेस बच जाता है अगर आप अपने हैंड स्पैन को यूज़ करते हैं तो वो जो आपके जो हैंड स्पैन से कम की जो लेंथ बची है टेबल को नापने में, तो उसको आप कैसे नापेंगे कि अपने जो हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन के इक्वल आपने एक स्ट्रिंग की लेंथ लेनी है, एक धागे की लेंथ इतनी लेनी है जितने की आपके आपका हैंड स्पैन की लेंथ है, और उसको आपने फोल्ड करके जो लेंथ की बची टेबल है उसको आपने मेजर करना है। देन उसको आपने एज अ फ्रैक्शन ऐड कर देना है। देन रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, उसके बाद सारी ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड करनी है। वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ टू अननोन क्वान्टिटी। अब हम क्या देखते हैं कि जो मेजरमेंट क्या है, दो अननोन क्वान्टिटी के बीच में मेजरमेंट को जो मेजरमेंट है उसी को हम, तो मेजरमेंट क्या है, टू अननोन क्वान्टिटीज़ के बीच में जो कंपेरिजन है उसी को हम मेजरमेंट कहेंगे, ठीक है। विद टू विद सम नोन क्वान्टिटीज़, कुछ नॉन क्वांटिटीज़ हैं और कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच में जो कंपैरिजन होगा उसी को हम मेजरमेंट करेंगे। एंड दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, तो उसी जो फिक्स क्वांटिटी है आपकी उसको हम यूनिट कहेंगे। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। अब जो आपका मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट का जो रिजल्ट आया आपका वो दो पार्ट में आया है, तो वन पार्ट आपका नंबर है और सेकेंड आपका जो दूसरा पार्ट है वो आपकी यूनिट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी जो डिस्टेंस है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम आपने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अब जो 2 है वो तो आपका नंबर आ गया, अब जो किलोमीटर है, किलोमीटर आपका यूनिट आ जाता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किलोमीटर में किया है या मीटर में किया है, तो मीटर आपकी छोटी यूनिट होगी, तो किलोमीटर में आपका डिस्टेंस आ गया कितना, 2 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है, तो उसमें 2 क्या आपका नंबर है और जो यूनिट है वो क्या आपकी किलोमीटर है, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल इन एन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। अब आपने एक्टिविटी 1 में क्या किया था, आपने फुट लेंथ यूज़ करके आपने रूम की लेंथ को मेजर किया था, तो आपके जो फुट आपके जो लेंथ उस रूम की आई थी वो कितनी आई थी, 12 लेंथ ऑफ योर फुट आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 है वो 12 क्या है, नंबर है, और जो फुट लेंथ है वो आपकी यूनिट है, उसको आपने ऐसा यूनिट लिया है, तो यहाँ पर जो 12 है वो नंबर आ जाता है आपका, ठीक है, और जो फुट लेंथ है वो आपकी यूनिट आ जाती है, ठीक है। देन इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, तो जो फुट लेंथ है उसको आपने मेजर करने के लिए, नापने के लिए ऐसा यूनिट लिया है। अब उसके बाद क्या है, नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 7.1 and 2 आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। क्या आपने जो रूम की लेंथ और विड्थ को नापने के लिए जो आपने फुट लेंथ को एज अ यूनिट लिया था, तो क्या सबकी जो मेजरमेंट आई है वो इक्वल आई है, नहीं, यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो सबकी अलग अलग आएगी, क्योंकि किसी का पैर लंबा है, किसी का पैर छोटा है, ठीक है। जब हम शॉप पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मुझे 5 नंबर का जूता चाहिए या 4 नंबर का चाहिए या 6 नंबर का चाहिए या 8 नंबर का चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके फुट की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको शूज़ किस लेंथ के आते हैं, किस साइज़ के आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो सबकी मेजरमेंट भी अलग आएगी। देन आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि सबका जो हैंड स्पैन है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, ठीक है।
Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be the same. ये सेम आ गई ना बात कि आपका और आपके जो फ्रेंड का हैंड स्पैन है उसकी लेंथ में भी सेम ना हो तो आपका जो रिजल्ट है वो सबका अलग अलग आएगा. किसी का जो हैंड स्पैन है वो कितने नंबर का छोटा है, किसी का बड़ा है. सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट. ये भी सेम है आपका कि सबका जो फुट लेंथ है वो सबकी अलग अलग होगी तो यहाँ पर भी सबका रिजल्ट वेरी करेगा. तो यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं आएगा. देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ द फुट एज अ यूनिट ऑफ द अदर्स दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट. जब तक आपके हैंड स्पैन की लेंथ और फुट की लेंथ का नहीं पता होगा तब तक आप उस जो जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है उसकी एग्जैक्ट या एक्चुअल लेंथ को आप नहीं बता सकते, उसको समझ नहीं सकते. क्योंकि उसको हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट मानना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट की आपने हैंड स्पैन लेंथ को लिया है और किस स्टूडेंट की आपने फुट लेंथ को लिया है. हम क्योंकि यहाँ पर हर किसी के फुट की लेंथ अलग अलग होगी और हर किसी के जो हैंड स्पैन की लेंथ है वो अलग अलग होगी तो उसको हमने ऐसा यूनिट लेना है, ऐसा स्टैंडर्ड लेंथ लेना है. एक स्टूडेंट की आपने हैंड स्पैन की लेंथ लेनी है और एक स्टूडेंट की आपने फुट लेंथ लेनी है और उसी को आपने स्टैंडर्ड मानना है जिससे कि आपको एक्चुअल लेंथ का पता लग सके. ठीक है. देन वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर needed that do not change from person to person. अब हमें ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में हमें जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे उनकी इन्वेंशन हुई. In ancient time, the length of the foot and width of a finger and the distance of the step were commonly used as the different units of the measurement. Ancient time पर, पुराने time पर, आज के time पर नहीं, आज से हजारों साल पहले क्या जो measurement के लिए अलग अलग unit को use किया जाता था, जैसे length of foot को use किया जाता था, width of finger को use किया जाता था और distance of steps, दो स्टेप के बीच में क्या कितना डिस्टेंस है उसको यूज़ किया जाता था एज अ मेजरमेंट, मेजरमेंट को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए. अब देखो एंशियंट टाइम पर, पुराने टाइम पर ये जो मेथड्स हैं जैसे आपका फुट स्टेप के यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको यूज़ किया जाता था मेजरमेंट करने के लिए, या फिर हैंड स्पैन को यूज़ किया जाता था, या फिर एक और ये मेथड है क्यूबिट, इसको यूज़ किया जाता था कि आपके जो आर्म की लेंथ है उसको वो कितनी है उसको भी ऐसा मेजरमेंट यूज़ किया जाता था. ठीक है. देन अब जैसे आपकी अंगुल को भी यूज़ किया जाता था. अंगुल क्या है कि विड्थ ऑफ द फिंगर, फिंगर की विड्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसको भी यूज़ किया जाता था एज अ मेजरमेंट, मेजर किसी डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए या फिर किसी चीज़ को मेजर करने के लिए अंगुल को जो फिंगर की विड्थ है उसको यूज़ किया जाता था. Then the people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence of excavations of perfectly geometrical construction. क्या है कि जो Indus Valley के civilization के लोग थे उस time पर, Indus Valley क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, बहुत अच्छे से ये आपकी 6th, 7th, 8th में है. तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उस टाइम पर वो लोग बहुत अच्छे से जो लेंथ को मेज़र करने का उनको तरीका पता था क्योंकि उस वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे सिविलाइजेशन के लोग थे, उनको पता था कि कैसे जो मेज़रमेंट है उसको लिया जाता है और बहुत उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत अच्छा था. और ये चीज़ें कैसे पता चली है कि जो खुदाई हुई है, ठीक है, जो आपका खुदाई हुई है आपका जैसे गुजरात में है आपका और सिंधु घाट नदी के आसपास का जो एरिया है उसके आसपास जो खुदाई हुई है उसमें ये एविडेंस मिले हैं. ठीक है, कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी, उनके घर बहुत परफेक्टली बने हुए थे, उनकी जो गलियां थी वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी, जो भी उनका कंस्ट्रक्शन था वो बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बना हुआ था परफेक्ट मेजरमेंट के साथ. तो इंडस वैली के जो लोग थे उनको बहुत अच्छे से मेजरमेंट पता था कि किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते थे वो अच्छे से पता थी.
देन अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप वॉज यूज इन एंशियंट इजिप्ट. जो इजिप्ट लोग थे वो किसको यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए, क्यूबिट को यूज़ करते थे. क्यूबिट क्या है, लेंथ ऑफ द एल्बो. अभी मैंने आपको दिखाया भी था, अभी और दिखा देती हूँ. लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप, ये आपका एक क्यूबिट बन जाता था. और इसको जो इजिप्ट पीपल थे उसको यूज़ करते थे एज अ मेजरमेंट. वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ द लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और वर्ल्ड के दूसरे लोग जगह पर भी इसी मेथड को यूज़ किया जाता था डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए. अब क्यूबिट को दिखाती हूँ मैं आपको. ये है आपकी क्यूबिट. आप देखो एल्बो से लेकर आपकी फिंगर की लेंथ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वन क्यूबिट बोलेंगे. ठीक है, एल्बो से लेकर लेंथ फिंगर की टिप तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्यूबिट बोलेंगे. और उसको इसको जो इजिप्ट लोग थे वो यूज़ करते थे. और वर्ल्ड के जो अदर जो प्लेसेस थे उसको वो लोग भी इसी मेथड को यूज़ करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए. Then people also used the foot as the unit of the length in different parts of the world. अब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में फुट को भी यूज़ किया जाता था as a unit of length. The length of the foot used varied slightly from region to region. क्योंकि जो फुट की लेंथ है वो सबकी अलग अलग हो सकती थी, तो ये रीजन टू रीजन थोड़ा सा वेरी करता था. कुछ लोग यूज़ करते थे, कुछ लोग नहीं यूज़ करते थे. Then people measured a yard of the cloth by distance बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन. अब यार्ड एक और अनदर यूनिट आई लेंथ को मेजर करने के लिए. और ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच आर्म, जो आउट स्ट्रेच बिल्कुल जो आउट स्ट्रेच आर्म थी और आपके चिन का जो डिस्टेंस है उसको हम यार्ड बोलते हैं. अब ये आ गई आपकी यार्ड. यार्ड में क्या है, आउट स्ट्रेच आर्म है, ठीक है, और चिन के बीच में, चिन आपकी जो ठोड़ी होगी चिन के और आउटस्ट्रेच आर्म के जो फिंगर टिप है वहाँ से लेकर जो चिन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वन यार्ड बोलेंगे. और इसको भी लोग जो मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए इस यूनिट को भी यूज़ करते थे. देन द रोमन मेजर विद देयर पेस और स्टेप. क्या है, जो रोमन लोग थे वो अपने पेस या फिर स्टेप की हेल्प से लेंथ को मेजर करते थे. अब इसमें इस इमेज में देखो ये आपका पेस ऑफ स्टेप है. ठीक है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम पेस ऑफ स्टेप बोलेंगे. इसको भी लोग यूज़ करते थे एंशियंट टाइम पर मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए. ये हैंड स्पैन है आपका. ठीक है, ये आपका क्यूबिट हो गया एल्बो से लेकर फिंगर के टिप तक. ये आपका आर्म स्पैन है. ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस हो गया. ये आपका फुट स्पैन है, पूरे फुट की लेंथ. तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको कि पुराने टाइम पर लोग यूज़ करते थे लेंथ को मेज़र करने के लिए. देन इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट वर यूज्ड वर एन अंगुल और मुट्ठी. एंशियंट टाइम पर जो इंडिया का एंशियंट इंडिया है उस टाइम पर जो छोटी छोटी लेंथ होती थी उसको मेज़र करने के लिए या तो अंगुल यूज़ किया जाता था. अंगुल क्या था, आपकी फिंगर की विड्थ. ठीक है, फिंगर की विड्थ को हम अंगुल बोलते हैं. और या फिर जो मुट्ठी होती थी, फिस्ट होती थी, उसको यूज़ किया जाता था छोटी छोटी लेंथ को मेज़र करने के लिए. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया. आज के टाइम पर भी जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, जो फूल बेचने वाले होते हैं, वो अपनी फोर आर्म का यूज़ करते हैं. फोर आर्म क्या है, जो आगे वाली बाजू है. ठीक है, अभी दिखाती हूँ आपको. वो एज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज़ करते थे करते हैं इंडिया के कुछ शहरों में गार्लैंड बनाने के लिए, फूलों की माला बनाने के लिए जो फोर आर्म है उसको यूज़ करते हैं एज अ यूनिट ऑफ लेंथ. Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. जब भी ज़रूरत होती है या फिर जब भी ऐसा यू लगता है कि हम इस body part को use करके length को measure कर सकते हैं, तो ये जो methods है वो आज भी use किए जाते हैं. ठीक है, वो depend करता है कि उनकी convenience है या नहीं है. अब ये देखो, ये आपका अंगुल मेथड आ गया. इसमें क्या है, एक उंगली के बीच का जो चौड़ाई है उसको यूज़ करते थे छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए. और या फिर जो फिस्ट है, मुट्ठी है, उसको यूज़ करते थे, जो छोटी छोटी लेंथ है पूरे हाथ की, जो अगर हम बंद कर लें तो उसको यूज़ करते थे छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए.
आप जैसे इन्होंने बोला ना कि गार्लैंड बनाने के लिए जो फ्लावर सेलर्स हैं वो अपनी फोर आर्म का यूज़ करते हैं, आपकी फोर आर्म तो इतनी है ना, तो फोर आर्म को यूज़ करते हैं गार्लैंड बनाने के लिए जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो आज भी यूज़ करते हैं इंडिया के कई पार्ट्स में। देन हाउएवर एवरी वन बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। अब हमें पता है कि हर किसी का जो बॉडी पार्ट है वो अलग अलग साइज़ का हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि जो भी हम मेज़र करते हैं उसमें उस मेज़रमेंट में थोड़ा बहुत जो है कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है, बहुत थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया गया, 1790 में फ्रेंच लोगों ने क्या क्रिएट किया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट को क्रिएट किया, जिसको उस टाइम पर क्या बोला गया, मैट्रिक सिस्टम। तो जो मैट्रिक सिस्टम है ये किसकी देन है, फ्रांस की देन है, फ्रेंच लोगों ने इसको क्रिएट किया था 1790 में इसको क्रिएट किया था मैट्रिक सिस्टम को। तो ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, सबसे पहली जिसकी इन्वेंशन हुई थी, और इसको इन्वेंट किसने किया था, फ्रेंच लोगों ने किया था, ठीक है। देन फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मीन्स सब जगह जो मेज़रमेंट की यूनिट है वो सेम हो, तो इसके लिए इन्होंने जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। तो पूरे वर्ल्ड में जो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है उसको एक यूनिट में अडेप्ट किया, सबने एक ही यूनिट को उन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया था। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज एज, अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो आज के टाइम पर कौन सा यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आज के टाइम पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किया जाता है, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और देन जो लेंथ की SI यूनिट है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ, तो क्या है वो आपकी मीटर है, लेंथ की SI यूनिट क्या है आपकी मीटर है, जो कि फिगर 7.6 में भी दिखाई गई है, जो एक मीटर स्केल दिखाया गया आपको, और आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, जो कि आप अभी के अभी आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपका 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ वो SI यूनिट में है। देन ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, हर एक जो मीटर है वो इक्वल 100 डिवीजन्स में डिवाइड होता है, हर एक मीटर जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, मीटर से छोटी जो डिवीजन है वो क्या है आपकी सेंटीमीटर है। देन ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन, हर एक सेंटीमीटर की अब क्या है इक्वल 10 डिवीजन्स होती है, जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से छोटा जो आपका क्या है मिलीमीटर है, ठीक है, हर एक मीटर की, ठीक है, मीटर से छोटा आपका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटी आपकी यूनिट है वो मिलीमीटर है, तो हर एक मीटर में 100 इक्वल डिवीजन्स होती हैं, जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, और हर सेंटीमीटर में इक्वल डिवीजन्स होती हैं, जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। जो सेंटीमीटर है उसमें 10 डिवीजन्स होते हैं, 10 इक्वल डिवीजन्स होती हैं, और मीटर में 100 इक्वल डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर की इक्वल डिवीजन्स होंगी, और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर की इक्वल डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। देन फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज, अब ये छोटे डिस्टेंस के लिए तो मीटर सेंटीमीटर हो गया, अगर हमें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, मीटर इज़ नॉट द कन्वीनियंट यूनिट, क्योंकि जो मीटर है वो छोटी यूनिट होगी आपकी, तो वो एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। अब जो लार्ज डिस्टेंस है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, तो यहाँ पर हमें लेंथ की जो बड़ी यूनिट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम क्या कहेंगे किलोमीटर, ठीक है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। देन नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स, तो अब जितनी भी हमारी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ थी उनको हम जो स्टैंडर्ड स्केल है उसके साथ हम मेज़र कर सकते हैं और उनको हम SI यूनिट दे सकते हैं। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेज, अब हमें ये चीज़ें मेज़र करने के लिए ये चीज़ें मेज़र करने से पहले जो लेंथ है उसको मेज़र करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लेंथ को या फिर डिस्टेंस को मेज़र करने का करेक्ट वे क्या होता है, सही तरीका हमें पता होना चाहिए लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करने का, ठीक है। स्टूडेंट्स अब क्लास 6th-7th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है आपका करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। 7.5 टॉपिक है ये, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ये अब स्टार्ट करेंगे।
इन आवर डेली लाइफ यू वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं कुछ भी मेज़र करने के लिए। जैसे आपने मिल्क को मेज़र करना है, आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें भी आप अपनी मम्मी को देखते होंगे कि वो किसी न किसी स्पून से बहुत अच्छे से उसमें जो मसाले हैं वो डालती हैं, देख देख के कि कोई ज़्यादा या कम ना पड़ जाए। ठीक है, देन वी यूज़ अ मीटर स्केल। जो हम मीटर स्केल हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेजरिंग द लेंथ। ठीक है, मीटर स्केल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेजरिंग द लेंथ। देन अ टेलर यूजेस अ टेप। जो टेलर है वो क्या यूज़ करता है? टेप यूज़ करता है किस लिए? वेयर आज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रोड। ठीक है, जो टेलर है वो क्या यूज़ करेगा? टेप यूज़ करता है क्योंकि उसने जो टेप है वो थोड़ी सी फ्लेक्सीबल होती है, वो मुड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि उसने कमर का भी नाप लेना होता है, उसने आपका जो शर्ट की लेंथ कितनी है, आपकी पैंट की लेंथ कितनी है, वो सारा उसने मेज़र करना होता है। लेकिन जो क्लोथ मर्चेंट है, जो कपड़े का व्यापारी है, वो किसका यूज़ करते हैं? मीटर रोड का। आपने कभी मार्केट में गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो भी अपना आपके घर में है, तो उनके साथ देखा होगा आपने कि जो क्लोथ मर्चेंट है, जब भी वो कपड़ा लेने जाते हैं, अपने लिए सूट लेने जाते हैं या आपके कुछ भी लेने जाती हैं क्लोथ में, तो वो जो जहाँ से वो खरीदती हैं, शॉप से खरीदती हैं, तो जो मर्चेंट होता है वो उनको मीटर रोड से नाप के देता है। उन्होंने 2 मीटर लेना है, 4 मीटर लेना है, 5 मीटर लेना है, जितने भी मीटर लेना होता है वो मीटर रोड से नाप के उनको क्लोथ देता है। ठीक है, फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए यू मस्ट चूज़ अ सुटेबल डिवाइस। तो आपके पास सुटेबल डिवाइस होना चाहिए। ये नहीं है कि जो टेलर है, टेलर को आप जो मीटर रोड है मीटर रोड दे दो। जो टेलर है वो मीटर रोड से आपकी मेजरमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मीटर रोड है वो मेटल की होती है और वो मुड़ नहीं सकती, क्योंकि जो टेलर होता है उसने आपकी कमर का भी नाप लेना होता है, आपकी बाजू आपने छोटी करवानी है, बड़ी करवानी है, पूरी करवानी है या फिर हाफ करवानी है, उसके हिसाब से वो उसकी लेंथ लेता है। ठीक है, देन यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ यूर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो गर्थ होती है, जो स्टेम होती है ना ट्री की, उस स्टेम की चौड़ाई को, जैसे अगर हम स्टेम को अगर हम अपनी बाजुओं में बाजू को उसके चारों तरफ अगर फैला लें तो उसकी गर्थ हो जाती है हम। ठीक है, देन या फिर जो चेस्ट का साइज़ है वो हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, और ऐसे ही ट्री की जो गर्थ है, ट्री के जो स्टेम की चौड़ाई है, उसको हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। इसीलिए उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? टेप यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, देन फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस। तो इसके लिए जो मेजरिंग टेप है वो सुटेबल नहीं होगी। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो जैसे छोटी लेंथ को आपने नापना है तो उसके लिए आपको जो छोटे वाला स्केल है जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होता है 15 सेंटीमीटर का, उससे भी आप नाप सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई मेजरमेंट ज़्यादा बड़ी लेनी है, लंबी लेनी है, तो उसके लिए आप मीटर स्केल या टेप का यूज़ करेंगे, जो जिनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, देन इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कोई भी अगर आपने किसी भी लेंथ की मेजरमेंट लेनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स का आपने फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपकी जो मेजरमेंट है वो गलत हो सकती है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने अगर लेंथ लेनी है, लेंथ को आपने मेजर करना है, तो उस लेंथ उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आपका स्केल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में, उससे दूर नहीं होना चाहिए, उससे जो आपकी मेजरमेंट है वो गलत हो सकती है। इन सम स्केल द एंड मे बी ब्रोकन। कुछ स्केल ऐसे होते हैं जिनका जो एंड होता है, जो 0 पॉइंट है या फिर लास्ट का जो पॉइंट है, वो आपका ब्रोकन हो सकता है, वो टूटा हुआ हो सकता है, क्योंकि जो स्केल है वो आपको पुराना भी हो सकता है। देन यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। मे बी आपका जो जीरो का मार्क है वो मिट गया है, तो उसको आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे कि इन केसेस में आप जो जीरो से मेजरमेंट है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, तो जहाँ पर आपका जीरो मार्क है वहाँ से आप मेजरमेंट लेना अवॉइड करेंगे, जिससे कि आपकी जो मेजरमेंट है वो गलत ना हो जाए। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। उसके बाद आप जो कोई भी फुल मार्किंग स्केल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से जैसे आपका 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, वो जहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है वहाँ से आप अपनी मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क। जहाँ से आपने रीडिंग लेनी स्टार्ट की है, जहाँ से आपने मेजरमेंट स्टार्ट की है कि आपने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया है, 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट की है, तो उस वो जो मार्किंग है, उस मार्किंग को आपने, उस रीडिंग को आपने, जो फुल रीडिंग आएगी उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपकी करेक्ट मेजरमेंट आ पाएगी।
ठीक है, जैसे अब इन्होंने फिगर 7.3 में बी में दिखाया है, देन द रीडिंग एट द एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आपने पॉइंट फर्स्ट से जब स्टार्ट किया तो वहाँ 0 पॉइंट आपका मिटा हुआ था या ब्रोकन था, तो आपने 1 सेंटीमीटर से अगर आपने मेजरमेंट स्टार्ट की और एंड पॉइंट की जो मेजरमेंट है वो आपकी 14.3 सेंटीमीटर आई, तो आपकी जो करेक्ट मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या आएगी कि 14 सेंटीमीटर में से आप 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है, 14 में से 1 सेंटीमीटर इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया, तो आपकी जो टोटल मेजरमेंट है उस ऑब्जेक्ट की, टोटल जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद है द करेक्ट पोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। कोई भी अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो उसके लिए आपकी जो आइज है, आइज की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपकी आइज की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। आपकी या तो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट राइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ की आपने मेजरमेंट लेनी है उसके बिल्कुल सामने आपकी आइज होनी चाहिए। ठीक है, देन योर आइज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। ठीक है, जहाँ की आपने मेजरमेंट लेनी है, जैसे आपने 1 पॉइंट से लेनी है या 2 से लेनी है, 0 से लेनी है, तो उसके बिल्कुल फ्रंट में आपकी आइज होनी चाहिए, जैसे कि आपका फिगर 7.9 में दिखाया, अभी दिखाती हूँ आपको। पोजिशन बी इज द करेक्ट पोजिशन, 7.9 जो फिगर है उसमें आपकी जो पोजिशन बी है वो आपकी करेक्ट पोजिशन है आइज की। नोट दैट फ्रॉम पॉइंट बी द रीडिंग इज 7.5। ठीक है, बी पोजिशन से आपकी रीडिंग जो है वो 7.5 है और पॉइंट ए और सी से आपकी जो पॉइंट रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, वो 7.4 या 7.6 आ सकती है। ठीक है, अब जैसे ये फिगर इन्होंने दिखाया है, इसमें क्या है कि आपकी ये बच्चा जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, इस बच्चे की जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, लेकिन जो बी वाला बच्चा है इस बच्चे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने रीडिंग जो आपकी इस पॉइंट से लेनी है, 7.3 आपकी यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, ये वाली रीडिंग आ रही थी, तो ये इस बच्चे की जो रीडिंग है वो इस साइड आएगी, इस बच्चे की रीडिंग इस साइड आएगी। ठीक है, लेकिन जो सेंटर में बच्चा है उसकी करेक्ट रीडिंग आएगी, तो इसीलिए आपकी जो आइज का पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिविटी थर्ड करते हैं। एक्टिविटी थर्ड में क्या है, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन। अब आपने अपने क्लास में से किसी बच्चे को लेना है और उसकी हाइट को आपने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि हैंड स्पैन क्या होता है, एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। एक मीटर स्केल से आपने उसकी मेजर करनी है और एक हैंड स्पैन से, दो मेथड से आपने उसकी हाइट को मेजर करना है। देन फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। अब उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप दीवार के साथ सट के खड़े हो जाओ, उसको दीवार के साथ खड़ा करना है, एंड मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। और जैसे ही जो स्टूडेंट है वो दीवार के साथ सट के खड़ा हो जाता है, तो उसके सिर के ऊपर से आपने बिल्कुल अबव द एग्जैक्टली अबव द हेड, उसके सिर के बिल्कुल ऊपर से एक मार्क आपने दीवार पर लगा देना है। ठीक है, अब उस स्टूडेंट को वहाँ से हटा देना है, तो आपकी मार्किंग हो जाती है दीवार नीचे फ्लोर से लेकर और जहाँ पर आपने मार्क लगाया वहाँ तक उस बच्चे की हाइट हो जाती है। अब उसको आपने मेजर करना है। ठीक है, देन मेजरमेंट के लिए आपने दो मेथड यूज़ करने हैं, एक हैंड स्पैन मेथड है और एक दूसरा मीटर स्केल मेथड है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल। अब उसके बाद आपने नीचे फ्लोर से लेकर और जो मार्क आपने लगाया है दीवार पर, उस मार्क तक आपने उस बच्चे की जो हाइट है उसको नापना है, मेजर करना है, एक तो हैंड स्पैन मेथड से और दूसरा मीटर स्केल से। ठीक है, हैंड स्पैन मेथड से और दूसरा मीटर स्केल से। लेट ऑल द अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन सिमिलर वे। ऐसे ही आपने अपनी क्लास के दूसरे बच्चों को भी बोलना है कि आप भी अपने हैंड स्पैन यूज़ करके और मीटर स्केल की हेल्प से आपने ये जो हाइट है उसको मेजर करना है, और उसके बाद इस ऑब्जर्वेशन को आपने 7.3 टेबल में रिकॉर्ड करना है। अब देखो जो आपकी क्या आएगी इसमें कि जो हैंड स्पैन है बच्चे की, आपने जो हाइट है वो मतलब अलग अलग बच्चों, बच्चा तो एक ही है जिसकी आपने हाइट को मेजर करना है, लेकिन वो बच्चे अलग अलग हैं जिन्होंने उसको मेजर करना है। ठीक है, तो जो बच्चे उसको मेजर करेंगे उनकी जो लेंथ है फोर आर्म की, तो वो आपकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हैंड स्पैन क्या था आपका कि जो आपका खुला हुआ हाथ है आपका इससे
थम से लेकर और जो लिटिल फिंगर थी उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपका हैंड स्पैन हो गया। तो वो जो हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन की लेंथ है वो अलग अलग बच्चे की अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर जो हैंड स्पैन की है वो किसी का जो हैंड स्पैन है वो किसी का 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, किसी का जो है आपका 4.5 आ सकता है, ठीक है, किसी का आपका 4.8 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कि ये किस पर डिपेंड करेगा, बच्चे के हैंड स्पैन की लेंथ पर, किसी का छोटा हो सकता है किसी का बड़ा हो सकता है। लेकिन जो ये सेंटीमीटर में लेंथ है वो बच्चे की आसपास आ सकती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बच्चे की, सब बच्चों की मे बी करेक्ट तो नहीं होगी, कुछ पॉइंट्स में अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर ये इस एक्टिविटी के थ्रू ये क्या बता रहे हैं आपको, मैं इसमें बताती हूँ कि स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेंड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अलग अलग जो स्टूडेंट्स आपको रिजल्ट देंगे उनको आपने केयरफुली स्टडी करना है। एंड द रिजल्ट इन कॉलम टू मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हर एक बच्चे के हैंड स्पैन की लेंथ अलग अलग हो सकती है, तो कॉलम टू में हर किसी की जो लेंथ है वो सबकी अलग अलग आएगी। लेकिन जो कॉलम थ्री है, कॉलम थ्री में ये क्या बोल रहे हैं कि जो लेंथ है वो आपकी किससे आपने मेजर की है, एक स्टैंडर्ड स्केल से। स्टैंडर्ड स्केल आपका क्या है, जो आपका मीटर स्केल है वो आपका स्टैंडर्ड स्केल है, मीन्स वो आपके जो मीटर स्केल है वो उसकी तो जो लेंथ है वो सेम रहेगी। ये तो नहीं कि उसकी अगर एक बच्चे ने नापा तो वो अलग हो जाएगी, दूसरे ने नापा तो उसमें जो मीटर स्केल की लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बस ये है कि बच्चे का थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा उसमें आपको फ़र्क नहीं दिखाई देगा। द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ। अब यहाँ पर क्या बोलें कि जो मीटर स्केल है या फिर इसको हम स्टैंडर्ड स्केल बोलेंगे, यहाँ पर सबका रिजल्ट आपका एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज दिखाई देगा। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, नहीं, यहाँ पर आपका बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वाई डू यू थिंक दैट देयर इज डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या रीज़न दिया कि क्योंकि जो बच्चे हैं आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल, ठीक है, क्योंकि सब ने एक ही स्केल यूज़ किया है। एंड नोट डिफरेंट हैंड स्पैन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो हैंड स्पैन की लेंथ है अलग अलग बच्चे की अलग अलग हो सकती है, लेकिन मीटर स्केल की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो कुछ एरर्स, छोटे छोटे एरर्स आ सकते हैं जब बच्चे ऑब्जर्वेशन लेंगे, क्योंकि बच्चा एक तो मैं भी आपका छोटी हाइट का हो तो छोटी हाइट के बच्चे की जो पूरा हाथ है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो उसका जो एक आधा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो क्लोज टू ईच अदर आएगी इसमें ऑब्जर्वेशन, इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में रीड करेंगे कि जो क्या इम्पोर्टेंस है किसकी, इन नोइंग एंड हैंडलिंग द सच एरर्स इन मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट में इस तरह के एरर्स आ जाएँ तो उन एरर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारा का सारा आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका है मीटर स्केल, ठीक है, जो कि मर्चेंट लोग यूज़ करते हैं, और ये मेटल मीटर स्केल होता है जिसको हम फोल्ड नहीं कर सकते जब कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जो हमें स्ट्रेट लेंथ लेनी होती है, ठीक है, तो जैसे कपड़े की लेंथ है वो स्ट्रेट लेनी है तो उसके लिए हम मीटर स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये आपका है टेप, ठीक है, ये आपकी टेप है जो कि टेलर वगैरह यूज़ करते हैं। टेप आपकी फ्लेक्सिबल होती है, ये आपकी बिल्कुल रोड की तरह सीधी नहीं होती है, तो इसको हम मोड़ तोड़ के भी जो हमें कोई भी जैसे गोल चीज़ का हमने मेजरमेंट करना है तो इसको यूज़ करके हम आसानी से कर सकते हैं। देन जैसे यहाँ पर जो टेलर है वो बुटीक वाली है, ये इसकी कमर की मेजरमेंट ले रही है, तो इसने इसको क्या है चारों तरफ से लेकर आई, जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट किया और इसको घुमा के ऊपर से यहाँ तक लेकर आए, ठीक है, तो इसकी कमर की पूरी मेजरमेंट होगी ये, ठीक है। तो ये जो टेप है इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए जिस डिवाइस की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे प्लांट, जैसे जो ट्री होता है ना, ट्री की जो स्टेम होती है उस स्टेम की भी हम ऐसे ही उसके चारों तरफ से घुमा के हम टेप की हेल्प से उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसकी जो स्टेम है वो कितनी चौड़ी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आपको देखने को मिलेंगी कि किस किस टाइप की मोशन आपके आसपास होती हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन द स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, और फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। तो 7.12 पे आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं फिगर में, ये दिखा देती हूँ कि आपको जैसे
मूविंग ऑफ ए व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड और मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आसपास भी देखते हैं। और या फिर एक जो स्टोन है वो स्ट्रेट जब नीचे गिरता है तो वो एक स्ट्रेट पोजिशन स्ट्रेट उसमें गिरता है। वट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, वो तो ये किस तरह की मोशन है। स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। स्प्रिंटर्स क्या होते हैं, जो कि छोटी रेस के एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर तक के जो एथलीट्स रन करते हैं उनको हम स्प्रिंटर्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप एक मैराथन होती है जिसमें कि 1000, 2000, 3000 मीटर तक के रेस होती है एथलीट्स के बीच में, ठीक है। तो स्प्रिंटर्स क्या होते हैं, जो 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस के जो ट्रैक में जो प्लेयर्स रन करते हैं वो भी एक स्ट्रेट ट्रैक में ही रन करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, क्या आप अपने आसपास के एरिया से और भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, तो अपने आसपास के एरिया से देखो और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ कि किस किस तरह के आप जो एग्जाम्पल्स हैं ये देखते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इन सभी एग्जाम्पल्स में जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जो सोल्जर्स वो मार्च पास्ट करते हैं, या फिर जो गाड़ी है वो स्ट्रेट रोड पर रन कर रही है, या फिर जो स्प्रिंटर्स है वो जो ट्रैक है स्ट्रेट ट्रैक पर रन करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन के हैं। इस मोशन में जो एक जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, ठीक है, उसमें कोई भी टर्निंग नहीं होती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टी लीनियर। लीनियर मीन्स स्ट्रेट होता है, ठीक है, तो इसे आप समझ लेना, लीनियर मीन्स स्ट्रेट होता है। तो रेक्टी लीनियर एक ही डायरेक्शन में या एक स्ट्रेट लाइन पर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनको, उनमें कौन सी मोशन होगी, रेक्टी लीनियर मोशन, ठीक है। तो एक्टिविटी 7 करते हैं, एक्टिविटी 7 में क्या है, एक स्टोन टाई अ थ्रेड ऑन इट, एक स्टोन लेना आपने छोटा सा और उस पर आपने थ्रेड को बांध लेना है और इसको अपने हाथ से घुमाना है, ठीक है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, तो स्टोन की मोशन को आपने ऑब्जर्व करना है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, तो इसमें क्या होगा कि जो स्टोन का डिस्टेंस है आपके हाथ से वो सेम रहेगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इस टाइप का होता है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव करता है और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ये बैल है, ये इसको खींच रहा है और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, जब इसको खींचेगा और इसका यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इस बैल का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, जैसे ये घूम के आएगा इधर से तो ये इसका जो डिस्टेंस वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये पुराने टाइम पर ये मेथड अप्लाई करते थे पानी निकालने के लिए, यहाँ से ये घूमता जाएगा और ये जो चीज़ है ये भी साथ के साथ घूमती जाएगी, नीचे से पानी निकाल के यहाँ पे गिरता रहेगा, ठीक है। देन द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, क्या है, जो जो इलेक्ट्रिक फैन है या फिर हैंड्स ऑफ क्लॉक है उसकी जो मूवमेंट है वो भी सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फैन के जो ब्लेड होते हैं वो भी सर्कल में मूव करते हैं और उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। इसी तरह से जो क्लॉक के हैंड है, क्लॉक के जो सेकंड वाला हैंड है या फिर मिनट वाला है या फिर आवर वाला हैंड है उसका भी डिस्टेंस सेंटर से सेम रहेगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्कुलर मोशन का, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फैन है या फिर जो क्लॉक है वो अपने आप से एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके ब्लेड हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड हैं या फिर जो आपके इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड हैं या फिर जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो आपका एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फैन है ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, और इसके ब्लेड हो गए, ठीक है, तो ये ब्लेड जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, ठीक है, ये इधर से ये इधर मूव करें या फिर इधर से इधर मूव करें, तो ये इनकी जो मूवमेंट है वो एक सर्कल पाथ में होगी और इनका जो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है ब्लेड्स का, अगर हम इस पॉइंट पर मार्क लगाते हैं जो है
इलेक्ट्रिक जो फैन है इसके अगर इस पॉइंट पर हम मार्क लगाते हैं तो जब ये मूव करके आएगा, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ये चाहे आपका ये ब्लेड यहाँ हो, चाहे ये ब्लेड आपका यहाँ हो, चाहे ये ब्लेड आपका यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, तो ये जो पॉइंट मार्क किया आपने वो आपका डिस्टेंस सेंटर से सेम ही रहेगा। इफ़ ही मार्क ए पॉइंट एनी वेयर ऑन द ब्लेड, ये मैंने बता दिया आपको कि जब हम इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड पर कहीं पर भी मार्क करते हैं या फिर जो हैंड्स हैं क्लॉक की उन पर भी कहीं पर भी मार्क करते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन का या फिर क्लॉक के हैंड्स का सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हर बार, जब भी वो रोटेट करेंगे, ठीक है, विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट, ठीक है। देन इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम वो अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करते हैं, और इस टाइप की जो मोशन उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। ये क्या है आपकी, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। टेक अ स्टोन लाइड विद अ स्ट्रेट एंड यू यूज इन एक्टिविटी 7, क्या है जो एक्टिविटी 7 में आपने एक स्टोन को टाई किया था ना एक थ्रेड के साथ, तो उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, तो आपने क्या करना है उसके बाद स्ट्रिंग को उसको धागे के आपने अपने हाथ में पकड़ना है और जो स्टोन है उसको आपने हैंग करना है, लटकाना है। दिस इज अ पेंडुलम, तो ये क्या हो गया आपका, पेंडुलम की तरह हो गया। पुल द स्टोन इन वन साइड विद द अदर हैंड, उसके बाद स्टोन का आपने एक हाथ के साथ दूसरी डायरेक्शन में दूसरी साइड में आपने पुल करना है, थोड़ा सा खींचना है और उसको छोड़ देना है। नाउ द पेंडुलम इज इन द मोशन, उसके बाद जो स्टोन है वो हिलेगा आपका, तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका, पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। जैसे आपका ये पेंडुलम है वॉच में आती है इस तरह की जो पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम जो है वो कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है, और ये इसकी जो मोशन है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होती है, वो ये नहीं है कि एक सेकंड बाद इधर चला गया यहाँ पर रुकेगा और वो दो सेकंड बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, अगर वो उसको एक सेकंड लग रही है इस डायरेक्शन में जाने के लिए तो वो एक ही सेकंड इस डायरेक्शन में जाने के लिए भी लेगा, तो इसको कहेंगे हम पीरियोडिक मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है, ठीक है। देन ए ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, एक जब हवा चलती है तो एक ट्री की जो ब्रांच है वो कभी इधर कभी उधर मूव करती है, तो मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, तो झूले पर जो बच्चा झूलता है वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार ऑन और द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, तबला, क्या है जो गिटार की स्ट्रिंग होती है उसकी जो तार होती है गिटार की या फिर जो तबला होता है ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पीरियोडिक मोशन की, ठीक है। देन वेयर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेयर ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, क्या है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है या फिर उस ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट है वो अपनी मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मोशन है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के में रिपीट होती है, तो इसीलिए इस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे गिटार है, गिटार की जो स्ट्रिंग है उसको हम प्रेस करेंगे तो वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मूवमेंट को रिपीट करेगी, ठीक है। इसी तरह से जो तबला है, तबले की जो मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको बीट करते हैं तो बीट करने के बाद जो ये मेम्ब्रेन है ये फिर से अपनी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी जो मूवमेंट है उसको रिपीट करती है, ठीक है। अब जैसे ये पेंडुलम है, वॉल क्लॉक में आपका ये पेंडुलम लगा है, तो ये पेंडुलम आपका कभी इस साइड जा रहा है कभी इस साइड जा रहा है, तो ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है, जिसको जिस जो कि कौन सी मोशन है आपकी, पीरियोडिक मोशन। ये देखो फिर इसका एग्जांपल आ गया पेंडुलम का। पेंडुलम को अगर हम यहाँ से जो स्टोन है इसको हम एक डायरेक्शन में ले जाकर छोड़ेंगे तो ये उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में भी अपने आप चला जाता है। ये देखो झूले पर ये जो बच्चा है ये झूल रहा है, तो ये जब आगे डायरेक्शन में जाएगा तो उसी स्पीड के साथ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। जितना टाइम वो इस डायरेक्शन में जाने के लिए ले रहा है उतना ही टाइम वो
अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए भी लेगा, तो इसीलिए इस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व ए सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5, क्या आपने जो सिलाई करने वाली मशीन को ऑब्जर्व किया है आपने? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वाइल एनी पॉइंट ऑफ इट्स व्हील मूव्स विद अ सर्कुलर मोशन। क्या है कि जो सिलाई मशीन होती है वो एक अपनी जो पोजिशन है, लोकेशन है, उसी पोजिशन पर रहती है, लेकिन उसका जो व्हील्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं एक सर्कुलर मोशन में। इट ऑल्सो हैज नीडल दैट मूव अप एंड डाउन कॉन्टीन्यूसली, तो इसकी जो नीडल होती है वो कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन पोजिशन में मूव करती रहती है एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट इट रोटेट। तो जैसे जो व्हील है वो रोटेट करेगा तो इसकी जो नीडल है वो अप एंड डाउन पोजिशन में कॉन्टीन्यूसली मूव करेगी। ऐसा ही होता है, ध्यान से देखना अपने आसपास अगर सिलाई मशीन हो तो। दिस नीडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन, तो ये जो नीडल है ये भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे हम इस व्हील को रोटेट करते हैं तो साथ के साथ ये जो व्हील है ये भी रोटेट होगा, और जो नीडल है ये पीरियोडिक मोशन में मीन्स कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन पोजिशन में जाती है। और इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, ये जो पेडल है आपका ये भी कॉन्टीन्यूसली अपनी जो डायरेक्शन है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपनी जो पोजिशन है वो रिपीट करते हैं, ऐसे ही नीडल और ऐसे ही नीचे वाला जो ये पैडल है। ठीक है, जब हम इस सर्कुलर व्हील को रोटेट करेंगे तो। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, पीरियोडिक मोशन का। देन हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ द बॉल अलोंग अ ग्राउंड, क्या आपने ग्राउंड पर कभी भी जो बॉल है जब वो मूव करती है तो उसको आपने ऑब्जर्व किया है? द बॉल इज रोलिंग अलोंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। क्या है, यहाँ पर जो बॉल है वो बॉल ग्राउंड के ऊपर जब रोल करती है तो वो उसके अंदर आपको दो जो मोशन है वो देखने को मिलेंगी। एक तो क्या है, वो रोटेट कर रही है, ठीक है, साथ के साथ वो आगे भी जा रही है, जो बॉल है वो खुद भी रोटेट करती है और जो बॉल है वो साथ के साथ आगे डायरेक्शन में भी जाती है। Does the ball undergoes a rectilinear motion and rotational motion? क्या है, तो यहाँ पर जो बॉल है वो एक तो रेक्टिलीनियर मोशन में, रेक्टिलीनियर मोशन में क्या था, एक जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है जो ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलीनियर मोशन। और आप क्या है, रोटेशनल मोशन में क्या है, जो जो ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजिशन को रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉल है वो रोटेट भी कर रही है और साथ के साथ एक जो स्ट्रेट डायरेक्शन है उसमें भी मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो बॉल है उसमें दो आपको मोशन देखने को मिलेंगी, एक तो रोटेशनल मोशन और सेकंड क्या है आपकी रेक्टिलीनियर मोशन। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, तो क्या आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ दो दो जो मोशन है वो शो करते हैं? तो इसका मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ये बच्चा बाइसिकल को पैडलिंग कर रहा है, तो इसमें जो टायर है इसके, एक तो ये खुद रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, जो टायर है वो खुद रोटेट हो रहे हैं और साथ के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन में भी रन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो जो मोशन है वो देखने को मिलेंगी, रोटेशनल एंड रेक्टिलीनियर मोशन, क्योंकि जो साइकिल है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और साथ के साथ जो इसके टायर हैं वो रोटेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो मोशन देखने को मिलेंगी, रेक्टिलीनियर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, देन वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस्ड सम काइंड ऑफ मोशन, हमने काफ़ी जो मेजरमेंट एक्टिविटीज़ भी की हैं और कुछ तरह के जो मोशन है उनको भी हमने डिस्कस किया है। वी सॉ दैट मोशन क्या है आपका, जो मोशन क्या है, मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। क्या है मोशन, क्या है, एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में जब चेंज होता है टाइम के साथ, कि एक टाइम में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं और है और दूसरे टाइम के 5 मिनट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी पोजीशन पर है या दूसरी जगह पर चला गया है, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी ना ऑब्जेक्ट की, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। जैसे अभी आप अपना एग्जाम्पल ले लो कि अभी आप क्लास में हैं
और क्लास होने के बाद जैसे ही आपकी ब्रेक की बेल होती है तो उसके बाद आप लंच करते हैं। लंच करने के लिए या तो आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे या आपका फ्रेंड आपके पास आएगा, और उससे पहले लंच करने से पहले आप क्या करोगे, हैंड वॉश करके आओगे। हैंड वॉश के लिए आपको वाटर कूलर के पास जाना पड़ेगा। तो आप अपना बेंच छोड़ के वाटर कूलर के पास गए ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका कि आप मोशन में हैं। मोशन क्या है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ जब एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन में जब चेंज आता है तो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद, नापने के बाद। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो एक जो मोशन है वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड इज एंड द बटरफ्लाई फ्लटरिंग फ्रॉम द फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर टू फ्लावर, अ रिवर फ्लोइंग एंड एन एरोप्लेन फ्लाइंग, मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड द ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज शो द टाइप्स ऑफ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो हमारे आसपास मोशन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या है, सबसे पहले इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है कि जो मूवमेंट ऑफ अ स्नेल, स्नेल को हमने मूवमेंट वाले उसमें एग्जाम्पल में दिखाया था कि जो स्नेल है वो कैसे मूव करता है, जब वो ग्राउंड पे मूव करता है। तो एक जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई फ्लटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर मीन्स क्या है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब जो बटरफ्लाई है, तितली है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब मूव करती है तो वो भी मोशन में होती है। रिवर फ्लोइंग, जो रिवर है वो फ्लो करती है तो वो भी मोशन में है। एरोप्लेन फ्लाइंग, एरोप्लेन आप उड़ते हुए देखते हैं तो वो भी मोशन में होता है। जो मून है गोइंग अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है तो वो भी मोशन में है। ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं मोशन के जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है, वीडियोस पसंद आई हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू।